हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, छोटा सा वीडियो जो कुछ गार्डन वर्क है, कुछ मैंने ठीक किए हैं, तो वो ही छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जो गार्डनिंग करते हैं उनके लिए शायद हेल्पफुल होगा वो, तो देखिए वीडियो में आगे मैं क्या दिखाने वाली हूँ आपको। तो छोटा सा वीडियो मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए। तो मैंने कुछ टाइम पहले शेयर किया था, मेरे गार्डन में जो बंदर आए थे उन्होंने बहुत सारा नुकसान कर दिया था, तो फिर काफ़ी सारी हैंगिंग मेरी उन्होंने तोड़ दी थी। तो उन हैंगिंगों को मैं ठीक कर रही थी, तो बस वही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि मैंने किस तरह से वो हैंगिंग ठीक करी हैं। बिल्कुल टूट गई थी, उनके जो हुक होते हैं हैंग करने के, तो उनको भी मैंने ठीक किया है, वो भी बिल्कुल वेस्ट हो गए थे मेरे, टूट गए थे। तो फिर मैंने उनको किस तरह से यूज़फुल बनाया है एक जुगाड़ करके, तो इस तरह से हम थोड़ी बचत कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम घर में ही थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत होती है इन कामों में हमें, तो वो हैंगिंग मैंने ठीक करी है किस तरह से, वो ही मैं आपको दिखाऊंगी आज वीडियो में। तो बस चलिए दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो काफ़ी सारे फ्लावर खिले हुए हैं गुलदाउदी में, तो इस तरह से ये देखें कितने प्यारे फ्लावर हैं ये गुलदाउदी के, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये येलो कलर का फ्लावर। तो गार्डनिंग में काफ़ी सारे काम होते हैं जो हम थोड़ा सा जुगाड़ करके हम कुछ भी हमारी हैंगिंग वगैरह हैं वो ठीक कर सकते हैं। पॉट है, टू पॉट भी मेरे टूट गए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरह से ठीक करे हैं। तो ये देखें आज हवा भी चल रही है, काफ़ी ठंडी हवा है, और ये देखें किस तरह से मेरा डहेलिया जो है, मैंने इसको यहाँ पर बांधा हुआ भी था लेकिन ये काफ़ी तेज़ हवा के कारण फिर से निकल गया। ज़्यादा टाइट भी इसको नहीं बांध सकते क्योंकि इसकी स्टेम टूट सकती है। तो ये देखें अभी भी गिरे जा रहा है, इसको मैं बांध दूँगी थोड़ी देर में। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए ये जो हैंगिंग है बिल्कुल टूट गई थी, तो ये मैंने ठीक भी कर ली है। तो मुझे बाद में ध्यान आया कि मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए, लेकिन कोई नहीं, इतना तो हमें माइंड है, हम समझ जाएंगे किस तरह से मैंने ये ठीक करी है, मैं सिर्फ आपको बताऊँगी। तो अभी मैंने शॉपिंग का वीडियो भी मैंने शेयर किया था आपके साथ, तो उसमें ये देखिए ये मैंने बताया था आपको कि ये कितना हेल्पफुल है हमारे लिए गार्डनिंग में, इससे बहुत ही बहुत काम जो होते हैं बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये देखिए ये जो है ना लाइट से चलता है, देखें लाइट से ये काम करता है। तो ये देखिए मैंने ये हैंगिंग बिल्कुल, ये देखिए ऊपर से नीचे तक ये फंसी हुई है बिल्कुल, तो ये देखिए नीचे तक। तो इसको देखिए मैंने दोनों तरफ इसको गर्म करके, तो इससे होल करें दोनों ही तरफ जहाँ से ये टूटी हुई है, एक होल इधर किया एक होल इधर किया, तो थोड़े थोड़े गैप में एक एक इंच के गैप में मैंने काफ़ी सारे होल किए हैं। जब आपकी कोई भी पॉट वगैरह कुछ भी टूट जाए तो आप इस तरह से ठीक कर सकते हो। उसके बाद ये देखिए दो होल मैंने एक साथ करे हैं, दो दो होल नीचे तक, और उसके बाद मैंने ये जो वायर होती है ना इससे मैंने छोटे छोटे पीस निकाल के कट करके प्लास की हेल्प से, तो ये देखिए प्लास की हेल्प से हमने इनको कट करना है इतना, तो ये इसके बाद फिर हमने इसको बांध देना है अच्छे से। तो ये देखिए मैंने सब बांधा हुआ है अंदर से, कुछ बाहर की तरफ से कुछ अंदर की तरफ से। तो ये देखिए इस तरह से जो एक साथ दो होल को हमें इस वायर से बांध देना है, तो ये बिल्कुल हमारा ठीक हो जाता है। और उसके बाद ये देखिए ये जो हुक होते हैं ये हैंग करने के, ये तो ये भी मेरे बिल्कुल टूट गए थे, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। तो ये देखें ये जो हुक होते हैं ना इनमें ये फंसते हैं इन हुकों में, तो ये मेरे बिल्कुल टूट गए। देखिए इधर ये देखिए ये बिल्कुल खुला हुआ है, तो ये हुक जो होता है ना इसमें फंसता है, जो गार्डनिंग करते हैं उन्हें तो पता ही है इस तरह से हैंग होते हैं। तो ये हुक टूट गए, तो इसको मैं हटा दूंगी इसको बिल्कुल, तो हुक टूट गए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इनमें मैंने होल कर लिया इनमें भी दोनों तरफ, ये देखें, और इसको हमें हटा देना है, ये मैंने अभी हटाया नहीं है, इसको हटा देना है, इस तरह से हमने रख लेना है प्लेन बिल्कुल। और ये देखें आपको जो हैंगिंग है ना इस तरह से दोनों साइड होल कर लेना है हैंगिंग में भी, तो इसमें भी हमने दोनों साइड होल कर लेना है। तो ये मैंने बिल्कुल ठीक कर दिए, पूरी हैंगिंग के लिए तैयार है ये बिल्कुल, ये देखें आप। तो इसमें देखिए ये मेरा पॉट तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये हुक जो है इनके बिना ये बेकार है, ये हैंग नहीं हो सकता। तो ये देखिए मैंने होल करा हुआ है दोनों ही साइड, ये देखिए आर पार होल कर लिया इधर से इधर तक दोनों साइड, और देखिए इसमें भी दोनों साइड दोनों हुक्कों में होल किया हुआ है। अब मैं इसको इस तरह से ये देखिए ऐसे करके इस पर लगाऊँगी और इसमें अंदर वायर डाल दूँगी, तो ये भी आर पार जब निकलेगा ना, तो ये देखिए इस तरह से मैं आपको डाल के दिखाती हूँ एक बार,
तो ये देखिए ये तार मैंने बिल्कुल आर पार कर लिया है और इसको बस हमने ऊपर की तरफ मोड़ना है ऐसे करके और दोनों को एक साथ हमने जॉइंट कर देना है और ये काम हमने ना प्लास से करना है, तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, ये टूटने का डर नहीं रहेगा इसका बिल्कुल। ये बिल्कुल मजबूत हो गई। अब चाहे मेरे गार्डन में कितने ही इनको बंदर हिलाएं, पाइप पे चढ़ के कितना ही कूद लें, ये बिल्कुल टूटने वाला नहीं है। और मेरा ये काम जो होता है ना बंदर ही करते हैं, मेरे गार्डन में बहुत सारे बंदर आते हैं, तो ये जो है बंदर जब पाइप पे झूलते हैं ना दौड़ते हैं तो बस वेट से नीचे आ जाती है, हुक टूट जाते हैं, प्लास्टिक के हुक होते हैं। तो ये देखो बिल्कुल से अब ये नीचे की तरफ से बिल्कुल मजबूत हो गया और ये देखिए अब मेरा ये हैंगिंग बिल्कुल रेडी है। ये देखिए आप अब ये बिल्कुल मजबूत हो गया, ये प्लास्टिक का काम नहीं, अब ये बिल्कुल वायर जो है ना इस पर टिका हुआ है, सिर्फ हमें ये हुक जो है ना ये हमें हैंग करने के काम का है, बाकी जो हमारा काम है ये सपोर्ट का ये हमारे ये लोहे की वायर कर देगी। अब ये कभी भी नहीं टूटने वाला, इस तरह से मजबूत हो गया है और भी ज़्यादा पहले की बजाय। तो बस दोस्तों ये जो है ये अगर आपके पास नहीं है तो आप गैस पे किसी भी टूल वगैरह की हेल्प से इसमें होल कर सकते हो, तब भी आप बिल्कुल इसको ठीक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास ये चीज़ हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।